Sri Gadanan Kirtikati, Mananya Chancellor, आज के कार्यक्रम के प्रेसिडेंट मिस भारती लगातार एमएलए इस इलाका के डॉक्टर गोपाल कृष्णा वाइस चांसलर डायरेक्टर सिफे मुंबई डॉक्टर जे के जिना डेप्यू डायरेक्टर जनरल फिशरी साइंस डॉक्टर साहू ग्राउंड रूम में उपस्थित समस्त व्यक्ति विशेष गणमान्य व्यक्ति विशेष संस्थान के समस्त वैज्ञानिक एवं स्टाफ आज के दिन ऑल दी डिग्री रिसिपिएंट्स अवार्ड विनर्स लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेस एंड मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो मेंबर्स ऑफ एकेडमिक काउंसिल एंड गवर्निंग बॉडी who are present here, directors of different ICAR institutes, maybe there are also some farmers, I'm not sure. आप सबको सर्वप्रथम मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 101 संस्थान मैं रिसर्च करता और उसमें से ये अनन्य है ये संस्थान खाली शोध नहीं करता है ये संस्थान डिग्री भी देता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिग्रीधारी हैं डिग्री लिए हुए हैं संस्थान से विभिन्न उच्च पद पर समासीन और कई ऐसे भी हैं जो उद्यमी बने हुए हैं कम है लेकिन कुछ ऐसे भी है जो उद्यमी बने हुए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो आठ फिशरी का संस्थान है ये संस्थान कोई एक जैसे है बाकी कोई संस्थान में नहीं जाया जाता वो है डिग्री खुशी की बात है और बहुत सारे बच्चे डिग्री लिए अवार्ड भी जीते बहुत अच्छा किया बधाई देता हूँ अपने तरफ से परिषद के तरफ से आप सबको तहे दिल से बधाई देता हूं और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूं कि आप आगे जाकर ये जो डिग्री है जो सारा चीज सीखे उसको काम में लगाएं आप जानते हैं बचपन में बच्चों को सिखाते थे मछली जल की रानी जल का रानी मछली है अब ये सिखाया जाता है जिंदगी बंद हो जाए तो रानी का सेवा करना आपका दायित्व तो बन गया है तो घर पे जिसका सेवा करते हैं नहीं करते हैं बात अलग है लेकिन आपका ये जबरदस्त दायित्व बन गया है ये जल का जो रानी है उसका देखभाल करना सेवा करना उसका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है ये
सारे देखेगा जिम्मेवारी जिम्मेवारी आप सब लोग लिए खाली डिग्री डिग्री नहीं है डिग्री के साथ एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपके सर पे लाद दिया गया है आज के लिए आप किस तरीके से निभाएंगे बड़ा भी बोल रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे बहुत सारे करने के लिए है इस साल 2016 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक क्रांति आई 310 ऐसे वैरायटी हम डेवलप किए हैं वो फील्ड क्रॉप में एक साल 51 हॉर्टिकल्चर क्रॉप में 51 इक्विपमेंट्स प्रोटोटाइप्स वो डेवलप किए हैं चार या पांच अभी हो गया चार नए किस्म लाए हैं सुअर में पोल्ट्री में दो किस्म लाए हैं नई किस्म और बहुत सारे ऐसे किस तरीके बहुत सारे चीजें हम किए हैं सारा लिस्ट देने में आपके पास समय नहीं होगा आप जाना चाहेंगे जल्दी से जल्दी यहां से उठकर व्यस्त हो रहे होंगे हम लोग लेट हो गए और आप सोच रहे होंगे मछली के बारे में बताया नहीं मछली संस्थान में आपके सामने खड़ा हूं मछली के बात किया है मछली में नए स्पीसीज ढूंढ निकाले चिन्हट किए और ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी दो स्पीसीज में डेवलप किए वो सारा डिटेल्स आपके डायरेक्टर मुझे बता रहे हैं इसके अलावा कई सारे फिशरी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है पिछले साल जो सराहनीय है आप सबको हम बधाई देते हैं और ये खाली हमारे संस्थान नहीं है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कई बार राज्य सरकार के डिपार्टमेंट इनके इन्वॉल्वमेंट में जो काम में ये सफल हुआ और आप जानकर खुश होंगे कि माननीय मंत्री महोदय कृषि मंत्री महोदय श्री राधा मोहन सिंह जी 2016 में एक नया कार्यक्रम शुरू किए वो है मेरा गांव मेरा गौरव उद्देश्य क्या है कि वैज्ञानिकों को किसान के पास पहुंचना उनको अपनाना उनको सहायता देना सूचना देना सूचना देकर उनको सशक्तिकरण करना है उनका सूचना जितना बढ़िया होगा सूचना जितना सही समय पर पहुंचेगा सूचना जितना फैक्ट के ऊपर पर्यवेक्षित होगा तथ्य के ऊपर पर्यवेक्षित होगा तब जाके किसानों को फायदा पहुंचेगा और इस दिशा में 2016 में हम जो कदम उठाए परिषद के तरफ से 10,300 से ज्यादा गांव में गए हमारे वैज्ञानिक गए ये पहली बार हुआ पहले से जाते थे कृषि विज्ञान के तहत जाते थे और कृषि विज्ञान तहत हम 1 करोड़ से ज्यादा किसान के पास पहुंचे 2016 में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसान का जो समस्या है ये समस्या का हल करने के लिए हमें
उनके पास पहुंचना पड़ेगा। अब मैं समझता हूं ये संस्थान भी इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। और किसान के पास वो पहुंचते हैं, तथ्य देते हैं, सही तथ्य देते हैं, समय पर देते हैं, किसान के पास 3.5 लाख किसान के पास हम पहुंचे इस कार्यक्रम के तहत। बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम हैं, तो हमारा जो कार्यक्रम विशेषता प्रथमता शोध, लेकिन खाली शोध नहीं, शोध के तहत जो सारी उपलब्धियां हमारे पास है, जिसका वैलिडेशन हम कर रखे हैं, उसको किसान के पास हम भी अपना प्रयास से पहुंचाना चाहिए। कई बार वैज्ञानिक प्रश्न करते हैं, ये क्या कार्यक्रम है, हमारा समय तो इसी में चला जाता है। आप जानते हैं एक ग्रुप में 4-5 वैज्ञानिक को रखा गया, किसी वक्त अगर कोई एक नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण की वजह से, अलग दूसरे जो लोग हैं वो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपका जो शोध कर रहे हैं बाधा पहुंचे उसके और शोध गड़बड़ हो जाए। अगर शोध गड़बड़ हो जाएगा, आज 10 साल के बाद हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगा। इसलिए शोध को प्राधान्य दिया गया है अतीत में, अभी भी दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा। लेकिन शोध के साथ साथ ये करना भी जरूरी है। क्यों? किसान का दुख दर्द समझने के लिए, किसान जो समस्या के बीच में गुजरता है उसका अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, तो निराशा को कौन मिटाएगा? हमारे शो के साथ साथ देखिए हैं, आप सब लोग भी गए होंगे, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, चालू रहना चाहिए। इस तरह का पशुओं में 15 डायग्नोस्टिक किट्स, 15 डायग्नोस्टिक किट्स पशुओं के पूछे गए हैं और 3 वैक्सीन्स जो आप यहां करते रहते हैं। तो हमारे ये जो संपूर्ण क्रांति लाने के लिए जो प्रयास है, ये प्रयास को समझना भी जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सामने ऐसा एक लक्ष्य रखे, बहुत आसान नहीं है। 6-7 साल के अंदर 2022 तक हमें किसान का आमदनी दुगनी करनी, ये बहुत बड़ा चुनौती है। माननीय प्रधानमंत्री जी नीली क्रांति की बात करते हैं, नीली क्रांति अगर देखेंगे जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है, नीली क्रांति हमारे सामने है। कहा लेस देन 1 मिलियन टन से अभी मोर देन 10 मिलियन टन देना बोल रहे थे, मैं जरा रहता नहीं दे रहा हूं। उत्पादन कितना गुना बढ़ गया, 13 गुना। अंडे में 80 बिलियन 40 टाइम्स अंडे में बढ़ते हुए, अनाज में गेहूं धान उसमें 5 गुना 1950 दशक अगर कंपेयर करेंगे। और इस साल हम धन्यवाद देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का,
ये जितने कार्यक्रम सब लाए हैं, कृषि सिंचाई योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड हो, ये बहुत सारे कभी इतने ज्यादा एकड़ थे योजना नहीं आए, और ये योजना के तहत हमारा उत्पादन कहां पहुंच गया? सेकंड एस्टिमेट होता है खाद्य शस्य में 272 मिलियन टन, 272 मिलियन टन रिकॉर्ड, पहले कभी नहीं हुआ। डीमोनेटाइजेशन के बावजूद लोग बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन से ऐसे हो गया, किसान जो है तकलीफ में था, बुआई में कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा हुआ, प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा हुआ। लास्ट ईयर सूखा प्रभावित था हमारी खेती, 252-253 मिलियन टन हमें मिला था उत्पादन। अब कहां 253 और कहां 272-273, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। खाली इसमें नहीं है, मछली में भी है, अंडे में भी है, दुग्ध उत्पादन मोस्ट वेलकम। ऊपर बैठा दी बहुत अच्छा लगा, आप अपना समय निकाल पाए व्यस्त जीवन, अरे व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला, हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और आपको स्वागत करते हैं। और मैं डायरेक्टर वाइस चांसलर से निवेदन करता हूँ वो हमारे दफ्तर साहब का गुलदस्ता देकर स्वागत करें। कल से हम उम्मीद लेकर बैठे थे आप शायद 11 बजे आ जाएंगे, लेकिन आपका व्यस्त रहा, बट बहुत बहुत धन्यवाद आप आए समाप्त होने से पहले, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बोल रहे थे कि हम दुग्ध के क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन किस हिसाब से बढ़ा है, पिछले 2 साल में 6% से ज्यादा रेट में ये बढ़ रहा है, विश्व में कहीं इसका उदाहरण नहीं है। और ये देश विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। ये आप लोग मछली के संस्थान में आए हैं सोच रहे होंगे ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो मैंडेट है उसका ये सब कुछ करना, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसान का आमदनी को दुगुनी करनी है, उसी दिशा में अगर हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग समेकित कृषि पद्धति को नहीं अपनाएंगे, हो सकता है हमें जो है उतना फायदा नहीं मिलेगा। मछली से काफी फायदा मिलता है, आप जानते हैं 3.5 मिलियन टन के हमारा मछली हम पकड़ते हैं समुद्र से, 6.5 मिलियन टन वो 3.5 मिलियन टन था, और ये करीब करीब 6.5 के आसपास थोड़ा सा कम है, ये हमारे अपना कल्चर से आता है, इनलैंड अंतरस्थलीय मत्स्यिकी का जो चाष है जो खेती करते हैं उसमें से आता है, और हम निर्यात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, हम निर्यात कर रहे हैं, और कितना निर्यात करते हैं, 5.5 अरब US डॉलर हम कमाते हैं। आप जानते हैं, बच्चे सब जानते हैं, कोई छोटी बात नहीं, लेकिन समय की जो परिवर्तन है, चुनौतियों में जो परिवर्तन आई है, इसको सामने देखते हुए
हमें और कमर कसना पड़ेगा। कैसे? जनता का परिवर्तन होगा। मैं बोल रहा था जल मछली जल की रानी है, अब जल ही नहीं होगा तो मछली जो है रानी है वो कहां जाएगी? बारिश कम होते जा रहा है तो कम बारिश कम पानी में ये बहुत बड़ा चुनौती है। क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है जो किसान को हम दे सकते हैं? प्रचार प्रसार जबरदस्त होना चाहिए कि कम पानी में मछली का खेती कैसे किया जाए और उसको लाभदायक बनाया जाए। अब ये नहीं कि खेती कुछ फैल गया, लाभदायक बनाया। ये जो संस्थान है ये बगल में बहुत सारे मछुआरे हैं, समुद्र जाते हैं मछली पकड़ के लाते हैं और इस संस्थान का योगदान बोल रहे थे बहुत जबरदस्त। उनका जो आमदनी बढ़ाने में उनको सपोर्ट करने में बहुत बड़ा योगदान। दो बज रहा है, 10 मिनट बाकी है, भूख भी लगी होगी, ज्यादा बोलने तो बहुत होते जाएंगे लेकिन जरूरत नहीं। मछली का खेती से फायदा बहुत होता है। बहुत सारे मॉडल्स हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल्स हैं 45 और उसमें मछली के ऊपर परे जैसे कुछ समय की कृषि पद्धति है और ये देश में हम उसको लेके जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि किसान का आमदनी दुगनी हो। ये बहुत जरूरी है। आप और हम क्या कर सकते हैं? अभी निदेशक और कुलपति महोदय का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, हम सबको एक टारगेट दिए हर राज्य और सरकार के साथ मिलकर दुगुनी करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, वो अप्रैल 15 तक हमें दी गई और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, नीति आयोग में भी चर्चा करेंगे और बाकी जहां जहां न्यू का नए नए कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है ये करने की हम योजना बनाएंगे, कदम उठाएंगे। मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ये साकार होगा। आपके संस्थान भी उससे जुड़ा हुआ है, मुंबई के लिए जो बन रहा है और इनमें कोई वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन होंगे और यहाँ का जो निदेशक कुलपति है वो होंगे उसका कन्वीनर। हमें ये चाहिए, आप हम इस तरह के जो शोध करते रहते हैं ये शोध में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? मैं बोल रहा था जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, व्हाट इंपैक्ट इट हैज on the thesis, how much we have understood, certainly there are many studies. हमने climate resilient village, उसको दूसरी community है, ये बनाए हैं 151 और ये climate resilient village महाराष्ट्र में, तो उसको replicate करने के लिए World Bank की सहायता से ये काम शुरू हो गया है, एमओयू साइन हो चुका है और ये जो कार्यक्रम है उसमें मछली भी रहेंगे, पशुपालन भी रहेंगे, बागवानी फसलें रहेंगे, क्योंकि ये सारे को अगर हम विविधीकरण नहीं करेंगे कृषि के, कृषि का अगर विविधीकरण नहीं करेंगे हम, वो जो हमारे सामने जो टारगेट है उसका पास हम पहुंच नहीं सकते। ये बहुत बड़ा चुनौती है। पानी
जमीन जमीन कम होते जा रहा है, उसका गुणवत्ता कम होते जा रहा है, पानी कम होते जा रहा है, उसका गुणवत्ता भी कम होते जा रहा है। और इसके साथ साथ मछली में उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो सीम, फीड और ब्रीड, ये तीन का जो आवश्यकता है, ब्रीड, सीड और फीड, इस दिशा में आप भी कुछ कर रहे हैं। सारे संस्थान परिसर के जुटे हुए हैं। मैं आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, वहां अभी अभी दो दिन पहले मैं लौटा हूं, वहां एक ग्रीन हाउस बना दिए हैं मछली के ऊपर, जलवायु में जो परिवर्तन है उसको इंपैक्ट स्टडी करेंगे, एक ग्रीन हाउस बना था। और कुछ मछली कम टेम्परेचर में आसाम में ब्रीडिंग नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए और वो जो व्यवस्था कर रखे हैं उससे ब्रीडिंग होता है, सीड मिल जाता है। और उसके साथ साथ विभिन्न इंग्रेडिएंट यूज करके कई फीड बना रखे हैं और उसको कमर्शियलाइज भी किया। मैं तो चाहूंगा संस्थान के निदेशक और कुलपति वहां जाए और देखे किस तरीके से उसको अपस्केलिंग हम कर सकते, ये जरूरी है। नए ब्रीड का प्रजनन, हमारे पास अभी कई ब्रीड में हम ब्रीड